9 अप्रैल को कुंडलपुर में निर्यापक मुनिश्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पदार्पण पर क्या क्या होना चाहिए, ये मार्गदर्शन मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज ने किया है। आइए सुनते हैं मुनिवर ने भक्तों को भावी आचार्य के स्वागत के लिए क्या करने के लिए निर्देश दिए हैं। सबसे अधिक वैभव भी उनके पास है और सबसे अधिक ज्ञान शक्ति भी जिनके पास है, चारित्र के हिमालय है। मुझे तो ऐसा लगता है बार बार, और मैं कहता हूँ कि दोबारा गुरुदेव 9 तारीख को कुंडलपुर की धरा पर प्रवेश कर रहे हैं। कुंडलपुर में विराजमान मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज ने 8 अप्रैल को भक्तों को संबोधित करते हुए 9 अप्रैल को होने वाले भावी आचार्य निर्यापक मुनिश्री समय सागर जी महाराज को वर्तमान का तीर्थंकर का संबोधन देते हुए उनके कुंडलपुर आने की सूचना से सबको वाकिफ कराया, साथ ही गुरुवर के गुणों के बारे में भक्तों को बताया। इस संसार की आकुलता और व्याकुलता से मुक्त करने वाले तीर्थंकर 9 तारीख को कुंडलपुर की धरा पर दोपहर में 3:30 बजे प्रवेश कर रहे हैं। जिनके लिए मूलाचार में आचार्यों के लिए लिखा है, जम्मा लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम छिंडंती अठ कम्बम जम्मम मरणम नपा विनती। ये जो गाथा है, ये गाथा कह रही है कि वे तीर्थंकर, वे आचार्य परमेष्ठी जिनके पास लीन होने पर, जम्मा लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम, इस अपार घोर संसार की आकुलता और व्याकुलता से मुक्त हो जाता है। छिन्नंति अठ कम्मम, 8 कर्मों से उन आचार्य परमेष्ठी की सेवा करके जो मुक्त हो जाता है, जम्मम मरणम नपा वेंती, और जन्म और मृत्यु को दोबारा प्राप्त नहीं करता। ऐसे आचार्य परमेष्ठी पूज गुरुदेव के भी वे कृपा पात्र हैं। गुरुदेव की संपदा से जो श्रीमंत है, गुरुदेव की कृपा से जो धीमंत है, सबसे अधिक वैभव भी उनके पास है और सबसे अधिक ज्ञान शक्ति भी जिनके पास है, चारित्र के हिमालय है। मुझे तो ऐसा लगता है बार बार, और मैं कहता हूँ कि दोबारा गुरुदेव 9 तारीख को कुंडलपुर की धरा पर प्रवेश कर रहे हैं। निर्यापक मुनिश्री के आगमन पर विश्व भर के गुरु भक्तों को बताया कि गुरुवर 9 अप्रैल को दोपहर लगभग 3:30 बजे कुंडलपुर आ जाएंगे। पूरी दुनिया के लोग, आप किसी भी शहर किसी भी गांव में रहते हैं, अभी आपके पास 50 घंटे हैं 9 तारीख की दोपहर में 3:30-4 बजे तक कुंडलपुर पहुंचने के लिए। जब इतने बड़े तीर्थंकर, इतने बड़े समोषण का नेतृत्व करने वाले, 2 महीना हो गया गुरुदेव का सिंहासन खाली 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 पड़ा है, लेकिन हमको तो भरा सिंहासन देखने की आदत है। उस सिंहासन के अधिपति, शासन के नायक, शासनाधिपति गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज 9 तारीख की दोपहर में करीब 3:30-4 बजे के आसपास कुंडलपुर की पावन पवित्र धरा पर हम सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए जो पधार रहे हैं। गुरुवर का गुणानुवाद करते हुए मुनिश्री ने निर्यापक मुनिश्री और आचार्य श्री गुरुवर से तुलना की। और आपने भी दूर दूर से अपना मन बनाया है, वे क्या हैं? प्रकष्ट पुण्य के धारक हैं। गुरुदेव की जिन्होंने मौन रूप से ऐसी गजब की भक्ति और सेवा करी है, उनका एक एक अंग देखो ना, उनके पैर देखो, उनका चेहरा देखो, उनकी चाल देखो, उनकी नजरे देखो, उनके बोलने का तरीका देखो, उनका ज्ञान देखो, उनकी साधना देखो, कहीं से कहीं नहीं लगेगा कि गुरुदेव नहीं है, हर तरफ से जो गुरुदेव ही है। गुरुवर के आगमन पर भक्तों को स्वागत के लिए क्या करना है, ये भी मुनिवर ने भक्तों को बताया। हमारे कर्तव्य बनते हैं कि 9 तारीख को दोपहर में 4 बजे जब गुरुदेव यहाँ पर पधारे, हमारे हाथों में एक नारियल का भेला हो, भेला पूरा छिला हो, अच्छी शुद्ध केसर से अच्छा रंगा हो, उसमें एक स्वास्तिक बना हो, जो दुनिया भर से, सागर से, जबलपुर से, नागपुर से, शहडोल से, इस तरफ सिहोरा से, इस तरफ कहां कहां से, मुंगावली से, अशोकनगर से, हर तरफ से जो बसें आ रही हैं, बसों में बैठ करके लोग भी आ रहे होंगे, लेकिन हर इंसान के हाथ पर अपने महानतम गुरु को दोबारा देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले हम ऐसे पूज गुरुदेव के चरणों पर जब हम श्रीफल चढ़ाएं, हर बार तो आप नारियल चढ़ा देते हैं, कभी गीला, कभी सूखा, कभी छोटा, कभी बड़ा, लेकिन इस बार थोड़ा बजनी बढ़िया बड़ा सा एक नारियल छाटना है, गोला भेला जिसको कहते हैं, पूरा छीलना, छील करके केसर से पूरा रंग देना,
फिर अच्छी केसर से उठा करके माँ बहनों से कहना मोटा मोटा एक स्वास्तिक बना दो और कम से कम 1,00,000 गोले एक साथ जब 9 तारीख की दोपहर में 4 बजे अपने नए आचार्य महाराज के चरणों पर हम सब चढ़ाएंगे, वो वैभव वो दृश्य देखने लायक होगा बंधुओं। आगे मुनिवर ने कहा कि तुम्हारी आकुलता व्याकुलता को दूर करने के लिए तीर्थंकर आ रहे हैं, तो अपने अपने घरों में बड़ा गोला छील लें और केसर रंग चढ़ा लें और जब गुरुवर आकर बैठ जाएं तो उनके चरणों में 1,00,000 श्रीफल चढ़ाएं। तो 50 घंटे पहले मैं आप सबको बता रहा हूं कि आप अपने अपने गांव से नगर से शहर से जब यहां के लिए कुंडलपुर की पवित्र वसुंधरा के लिए चले तो अपने अपने घरों में जाकर के एक बड़ा सा गोला छील लें, छील करके केसर से रंग लें, स्वास्तिक बना लें, अष्टद्रव्य तैयार कर लें और जब गुरुदेव वापिस आकर के पूरे मुनि परिषद के मध्य पर बैठेंगे तब उनके चरणों पर एक साथ 1,00,000 गोले चढ़ा करके हम बताएंगे गुरुदेव को कि गुरुदेव भक्ति इसको कहते हैं ना, और ये भक्ति नहीं, ये हमारा समर्पण, ये हमारा सौभाग्य, ये हमारे नेत्रों को आनंद देने वाला वह दृश्य जब हम 2 दिन बाद 9 तारीख को दोपहर में 4 बजे 5 बजे जो भी समय अनुकूल होगा गुरु की कृपा का। आगे मुनिश्री ने आचार्य श्री के बड़े बाबा से लगाव का भी जिक्र किया और कहा कि गुरुवर कहते थे कि सब छोड़ सकता हूँ, बस बड़े बाबा को नहीं छोड़ सकता हूँ। इस कुंडलपुर की पावन पवित्र वसुंधरा जो पूज गुरुदेव की कर्म स्थली भी है, पूज गुरुदेव की साधना स्थली भी है, पूज गुरुदेव की एक तपह भूमि भी है बंधुओं, ये कुंडलपुर के बड़े बाबा जिनके लिए गुरुदेव ने अपने जीवन के 55 साल दिए और 55 साल तक निरंतर साधना करते हुए बस एक ही बात कहते रहे कि मैं दुनिया में सब छोड़ सकता हूँ, बड़े बाबा को नहीं छोड़ सकता। और क्या देव भक्ति थी गुरुदेव की, जैसी गुरुदेव की देव भक्ति थी ऐसी हमको अपने गुरु की अब गुरु भक्ति दिखानी है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन सटीक समय पर सही समय पर एक साथ अगर बीट की जाए तो फिर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही मुनिवर ने कहा कि हमारी भक्ति की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि जहां गुरुदेव गए हैं वहां तक हमारी भक्ति पहुंच सके। बड़ा सौभाग्य है बंधुओं कि उन्होंने जवाबदारी अपने कंधे पर स्वीकार कर ली। सपने में भी एक दिन ऐसा सोचा कि अगर हमारा मान लीजिए समय सागर जी महाराज जी ने जवाबदारी स्वीकार नहीं करी होती फिर जैन शासन का क्या होता, लेकिन उन्होंने उपकार किया है हमारे आपके ऊपर। वंदना भक्ति ऐसी जोरदार हो कि देवताओं को भी ऊपर से आकर के देखना पड़े कि तहलका तो 9 तारीख को ही बन गया है। माहौल बनाना पड़ता है बंधुओं, आप सबका भी कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य तो बस 5 मिनट का था तो मैंने अपनी बात रख दी, अब जहां तक मेरी बात अगले 50 घंटों तक पहुंच जाए और जहां तक से लोग यहां पर आ रहे हैं उन सब से निवेदन है भक्ति इतनी जोरदार हो, शक्ति इतनी जोरदार हो, जय घोष इतना जोरदार हो कि गुरुदेव जहां तक गए हैं हमारी भक्ति की गूंज और आवाज वहां तक जाकर के बोले। और इस तरह से 9 अप्रैल को बड़े बाबा की नगरी में भावी आचार्य के पदार्पण को लेकर भक्तों को क्या तैयारी करनी है इससे भली भांति इंगित करवाया। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।